स्वागत है। मैं हूं अजय प्रताप सिंह और मैं हूं आरती सिंह। चलते हैं पहली खबर की तरफ जो दैनिक जागरण में प्रकाशित हुई है। इसमें बताया गया है कि ई कॉमर्स क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा अधिग्रहण हुआ है। नई दिल्ली से छपी इस खबर में बताया गया है कि देश के ई कॉमर्स क्षेत्र में सबसे बड़े अधिग्रहण के जरिए अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट का प्रवेश हो गया है। अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट ने देशी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के साथ में 77% इक्विटी हिस्सेदारी खरीदकर इसका अधिग्रहण कर लिया है। वॉलमार्ट ने 16 अरब डॉलर करीब 1.05 लाख करोड़ रुपए में फ्लिपकार्ट को खरीदने के बाद 2 अरब डॉलर अतिरिक्त निवेश की भी योजना बनाई है। उसी के साथ लखनऊ से एक दमदार खबर नजर आई। सेना के फर्जी भर्ती कांड में सीबीआई ने दर्ज किया है कि 40 नामजद हमीरपुर में बनवाए गए थे जाली निवास प्रमाण पत्र। लखनऊ से सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच में फर्जी निवास प्रमाण पत्र के जरिए जवानों की सेना में भर्ती के मामले में धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। ये मामला वर्ष 2016 में हमीरपुर में हुई सेना भर्ती का है। तो वहीं तीसरी खबर जो आई है दैनिक जागरण के पहले पेज पर, वो नवाब खानदान रामपुर से है। सरकारी जमीन मामले में पूर्व मंत्री नवेद मियां समेत 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हाईवे के किनारे की जमीन बेनामा कराने का ये मामला था और इसका प्रयास नवाब खानदान के नवेद मियां द्वारा किया गया था। श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने सिविल लाइन थाने में, रामपुर के सिविल लाइन थाने में ये रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस खबर में बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन को फर्जी तरीके से बेचने के प्रयास में पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां फंस गए हैं। पुलिस ने पूर्व मंत्री समेत 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की है। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर सीआरपीएफ फोटो चुंगी के पास श्रम विभाग के कार्यालय है, उसके जरिए ये खबर आ रही है कि इन्होंने सरकारी जमीन को बेनामा कराकर बेचने की कोशिश की है। और इसके साथ साथ ये बड़ी खबर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि रामपुर का नवाब खानदान किसी से छुपा नहीं है कि ये क्या हैसियत रखते हैं कांग्रेस में। इनकी इतनी अच्छी पकड़ है और हमेशा बेगम नूर बानो कांग्रेस से ही चुनाव लड़ी है। इसके साथ साथ नवाब जो रामपुर के थे वो भी कांग्रेसी हैं और रामपुर में इनकी सियासत का जलवा किसी से छुपा नहीं है। और उसी खानदान के चश्मो चिराग नवेद मियां के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है और साथ साथ अन्य लोग भी हैं। कुल मिलाकर 6 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। बड़ी खबर रामपुर से कह सकते हैं कि एक नवाब खानदान के खिलाफ जिस तरह का मुकदमा दर्ज किया गया है वो भी जमीन के मामले में। बता दे चले कि नवाब खानदान के पास में जमीन की कोई कमी नहीं है। आज भी पूरे जिले के अंदर इनके किला और शाहबाद तहसील की अगर बात करें तो इनके पास में लक्की बाग जैसी भी जगह है। लक्की बाग जहां 1 लाख आम के पेड़ कभी हुआ करते थे। और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जमीन का मामला आना ये बड़ी बात हो जाती है। मुरादाबाद मझौला में कार चेकिंग के बहाने लूटने की घटना को अंजाम देने वाले 2 होमगार्डों को एजीजेएम द्वितीय की कोर्ट में 7-7 साल की कारावास की सजा सुनाई। अभियोजना के अधिकारी अनुपम सिंह ने बताया कि अक्टूबर 2010 में नया मुरादाबाद में एमडीए दफ्तर के पास होमगार्ड दीपक कुमार निवासी चक हमीरपुर छलेट और विनोद कुमार निवासी उचेनी पागवाड़ा ड्यूटी कर रहे थे। देर शाम दोनों होमगार्डों ने एक कार को चेकिंग के लिए रोका। कार में सवार तीरथकर महावीर यूनिवर्सिटी की एमयूबी की डॉक्टर प्रेरणा गुप्ता और इंजीनियर की। ये अगली खबर है कि उत्तर भारत में भूकंप के झटके से दहशत का माहौल हो गया है। नई दिल्ली से प्रकाशित इस खबर में बताया गया है कि पिछले कुछ दिनों से बिगड़े मौसम से जूझ रहा उत्तर भारत बुधवार शाम 4:15 पर भूकंप के हल्के झटकों से हिल गया। अफगानिस्तान तजाकिस्तान सीमा हिंदू कुश क्षेत्र के अंदर भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसे भूकंप का केंद्र माना जा रहा है। और इस भूकंप की वजह से पूरे उत्तर भारत में दहशत का माहौल हो गया है। भूकंप के नाम से अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं। तो ये भूकंप की खबर जो है ये मौसम विभाग बताता है कि भूकंप कभी भी आ सकता है और इस समय मौसम कभी भी अपना मिजाज बदल सकता है। फिलहाल के लिए एबीपीएस न्यूज में बस इतना ही। इसी के साथ अजय प्रताप सिंह और आरती सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
ABPS न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। साथ ही हमारे Facebook, Twitter, Google+ को लाइक फॉलो जरूर करें।